सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और सही तरीके से एक एक चीज को बारीकी से अगर हम समझने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको इस वीडियो के अंदर एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी महसूस होने वाली है। आप खुद ही महसूस करेंगे कि हाँ, वास्तव में ये हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज ही है, क्योंकि अभी हमारा जो अप्रैल का ये जो महीना चल रहा है, इस अप्रैल के महीने में बहुत सारी चीजें होनी बाकी हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तभी हमारे जो बैकएंड के पीछे जो काम चल रहा है, आपको अंदाजा नहीं होगा कि शायद कितनी तेजी से यहाँ पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे आपको कौन सी गुड न्यूज जो है यहाँ महसूस हो सकती है, इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको तीन चार चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक आपके लिए एक इम्पोर्टेंट काम भी है, वो भी आप कर सकते हैं। 22 अप्रैल को हमारा एक बहुत बहुत बिग डे है। 22 अप्रैल को हमारा एक बहुत बड़ा दिन है। 22 अप्रैल को हमारे राइट सर एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो कि हमारा ओक कनेक्ट के रिगार्डिंग ही है। अगर हम बात करें कि हमारा जो 22 अप्रैल का दिन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन है। अगर हम 22 तारीख को थोड़ा सा अगर हम फ्री रहते हैं और अगर हमें इस प्रोग्राम को देखने का मौका मिलता है, तो मैं ये कहूंगा कि आप इस प्रोग्राम को आप जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे राइट सर लाइव सेशन करने वाले हैं। और इसकी जो अनाउंसमेंट थी, आपको पता ही होगा कि आज से लगभग 3-4 महीने पहले ही हो चुकी थी। इस 22 अप्रैल की अनाउंसमेंट 3-4 महीने ही पहले हो चुकी थी, और ये लाइव सेशन के अंदर बहुत सारे लोग फिजिकली और अगर वर्चुअली अगर जुड़ने का अगर मौका मिले, वर्चुअली अगर लोगों को देखने का मौका मिले, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे जो फुल इन्फॉर्मेशन यानी कि फुल प्रेजेंटेशन जो होने वाली है वो ओ कनेक्ट के रिगार्डिंग होने वाली है। जी हाँ, ओ कनेक्ट के रिगार्डिंग होने वाली है फुल प्रेजेंटेशन, क्योंकि अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है ओ कनेक्ट के बारे में, अभी हमें फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट वेबिनार को अटेंड किया है, उसकी कौन कौन सी फंक्शंस किस तरीके से काम करेंगे, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्पेशल फंक्शंस उसके चेक करने बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये लाइव सेशन हो और अगर हम सब लोगों को मौका मिले इस लाइव सेशन से जुड़ने का, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और माध्यम से हो, कोई भी मेथड हो, तो एक चीज ध्यान रखें कि अपना डायरी और पेन लेकर के आप जरूर बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे भी होंगे उसके अंदर जिनको आपको नोट डाउन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। जी हाँ, जिसको नोट डाउन करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी, और वो कभी भी आपके काम आ सकते हैं। जब हमारे इकोसिस्टम के अंदर वो कनेक्ट आ जाएगा तब भी वो हमारे काम आ सकते हैं, इसलिए हमें डायरी पेन लेके बैठना जरूरी है। क्या यह पब्लिक के लिए होगा या नहीं होगा, ये हमें बाद में पता चल जाएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर ये पब्लिक के लिए होता है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो फाउंडर्स हैं उनको सीखने का मौका मिल जाएगा। बहुत ही कम समय में हम हजारों लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा खासा हम सिखा सकते हैं। आपके सवाल, आपसे मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा यहाँ पे इस वीडियो में, कि ये जो हमारा राइट सर के द्वारा जो सेशन हो रहा है, क्या यह पब्लिकली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे आप कमेंट करके बताइए। और मुझे ही नहीं बल्कि बहुत सारे फाउंडर्स भी हमारे बहुत सारे कमेंट्स को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, और जब मैक्सिमम आंसर जो है आते हैं, पॉजिटिव आंसर आते हैं, एक जैसे आंसर आते हैं, तो हो सकता है कि राइट सर के पास भी ये न्यूज पहुंच जाए कि हाँ, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो ये है कि हाँ, इसको करना चाहिए। जी हाँ, मेरे हिसाब से तो ये है कि इसको पब्लिकली करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि हम यहाँ पे अगर हमें कोई अलग से लिंक मिलती है, फॉर एग्जाम्पल कोई जूम की लिंक मिलती है या ओक कनेक्ट की लिंक मिलती है, हो सकता है तब तक हमारा ओक कनेक्ट भी आ जाएगा, तो हम जिस तरीके से हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार होता है तो उस तरीके से अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम उसके अनुसार ही उसमें कनेक्ट हो जाएंगे। अगर उस टाइप की कोई भी लिंक नहीं मिलती है तो यूट्यूब पे जो है इसको लाइव कर दिया जाए तो भी अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो यहां पर पब्लिकली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये बाद में डिसाइड हो जाएगा, लेकिन आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। राइट सर ने हम सभी के लिए एक और चीज यहां पे दी हुई है, वो है एक टेस्टिमोनियल। जी हाँ, टेस्टिमोनियल
हमारा एक पूरा का पूरा एक टेक्स्ट करके हमें उनको ईमेल करना है और उसमें ऑन पैसिव के रिगार्डिंग आपकी क्या ओपिनियन है, आपका क्या पॉजिटिव ओपिनियन है, वो आपको एक अच्छी सी प्यारी सी टेस्टिमोनियल जो है लगभग 200 शब्दों में 200 वर्ड्स में आपको उनकी ईमेल आईडी पे सेंड करनी है। टेस्टिमोनियल वही चीज होती है जो आपकी राय होती है, जो आपके विचार होते हैं वो टेस्टिमोनियल होती है कि कंपनी के बारे में आपका क्या विचार है, कंपनी के बारे में आप कैसा सोचते हैं, कंपनी के बारे में आपको किस टाइप की आपकी पॉजिटिविटी है, आप कंपनी को फ्यूचर को लेकर के कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और फ्यूचर में कंपनी क्या करने वाली है, आप कंपनी से जो जुड़े हुए हैं तो फ्यूचर में आप इसके साथ क्या करने वाले हैं। तो इस टाइप से आपका जो भी ओपिनियन होगा वो आप अपना टेक्स्ट में आप लेकर के redfern1@gmail.com पर उनकी ईमेल आईडी पर आप सेंड कर सकते हैं, redfern1@gmail.com पर आप उनको सेंड कर सकते हैं। वहां पे वो टेस्टिमोनियल का एक अलग से प्रोग्राम होगा, उसमें आप बहुत सारे टेस्टिमोनियल जो है शो की जाएंगी। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं और जो हमारी 22 तारीख है वो हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक अमेजिंग डे होने वाला है और यहाँ पे 22 तारीख का इंतजार हम सब लोग मिलकर अब कर रहे हैं। सारी तैयारी हो चुकी हैं और सबसे खुशी की बात ये है कि 22 तारीख को जो हमारा ओ कनेक्ट को लेकर के फुल प्रेजेंटेशन जो होने वाली है, जी हाँ फुल प्रेजेंटेशन जो होने वाली है ओ कनेक्ट को लेकर के, तो हम सब लोग और बहुत सारे फाउंडर्स जो एक्टिव फाउंडर्स हैं वो अंदाजा पूरा यही लगा रहे हैं, अनुमान यही लगा रहे हैं कि 22 तारीख से पहले हमारा वो कनेक्ट इकोसिस्टम में दिखाई दे जाएगा। जी हाँ इकोसिस्टम में दिखाई दे जाएगा क्योंकि तभी उन्होंने 22 तारीख को डिसाइड किया हुआ है। हो सकता है कि वहीं वो कनेक्ट को क्लिक करके वहां पे लाइव A to Z सारी चीजें वहां पे बताई जाए और यही वजह है कि अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है कि इसको लाइव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट ओ कनेक्ट को वहां पे दिखाया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इसको लाइव दिखाया जाएगा क्योंकि इसको फिर प्राइवेट ही रखा जाएगा और मैक्सिमम में बहुत ही कम लोगों के पास इसकी जैसे कॉर्पोरेट वेबिनार होता उस तरीके से ये प्रोग्राम हो सकता है। तो यहां पे ये खुशखबरी है कि हमारा 22 तारीख से पहले हमारा ओ कनेक्ट हमारे इकोसिस्टम में दिखाई दे सकता है और इसके लिए ही हमारी रेड सर की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो 22 अप्रैल है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब लोगों के लिए और सभी लोग जो है एक्साइटेड रहिए। हमारा इकोसिस्टम एक नए अंदाज में और एक नया इकोसिस्टम जो आ रहा है वो एक नया इकोसिस्टम नहीं है, वो आपकी एक न्यू लाइफ है, आपकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है इस नए इकोसिस्टम के आने के बाद। बहुत सारी चीजें यहां पे नई आपको दिखाई दी जाएंगी। ओके आई होप आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ मिला होगा, देखने के लिए मिला होगा। मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार है 22 तारीख का और अगर जुड़ने का अगर हमें मौका मिलता है तो मैं 100% जुड़ूंगा और अपनी टेस्टिमोनियल भी मैं रेड सर को जो है जरूर भेजूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वी आर सो इन इट टू इन इट।